माथे का पसीना पहुंचते हुए अभी वॉक टूर करूंगा मैं, मतलब वॉक टूर नहीं, हाँ एक्चुअली टॉक टूर कहना चाहिए, टॉकिंग एंड वॉकिंग टूर ऑफ द लोकेलिटी, तब आप लोगों को और मज़ा आएगा एंड इट विल बी सेफर एज वेल. Sorry for that. Picking my nose का best example है. वो जो movie थी गोलमाल, अभी उसमें देखा था उत्पल दत्त और कौन है, अरे बड़े famous actor. उसमें उत्पल दत्त और जिसमें गाना है ना, एक बार लम्हा गिरा कहीं, जिसका टाइटल सॉन्ग गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल, ठीक है. और थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा पल ये जाना, ओ हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये तो जाने वाला है. तो उसमें जो ये था द पर्टिकुलर थिंग रिगार्डिंग यू नो पिकिंग अप द नोज, उसमें जो सेक्रेटरी होता है उत्पल दत्त का, उत्पल दत्त जी का, बड़े ही मशहूर एक्टर रहे हैं और अपने टाइम के सुपर वर्सेटाइल, तो उनका जो सेक्रेटरी होता है उसकी आदत होती है पिकिंग अप द नोज की, ओफ, एंड ही विल पिक अप दैट हेयर विच कीप्स ट्रबलिंग हिम इन द नोज. खैर आई वाज जस्ट ट्राइंग, आई मीन आई डोंट नो, आई फेल्ट कि पता नहीं क्या है, सो आई डिड लाइक दिस एंड जस्ट टच माई नोज, बैड हैबिट. ओके, सो ऑलवेज क्लीन अप, यूज अ सैनिटाइजर or use a tissue when you need to pick up your nose. Picking up the nose, horrible habit. So अच्छा खासा oven वाली feeling आ रही है. So what can be done during hot summers? बहुत simple सी technique है, जहाँ भी park करें थोड़े से window जो है windows को, window glass अपने वो थोड़े से नीचे रख दें, मतलब समझ लीजिए 4 mm 3 mm की उंगली भी ना जा पाए, तो उससे क्या होगा कि हीट इकट्ठी नहीं होती है, हीट जो जमा होती है इस 3 ton हंक ऑफ स्टील में वो डिसिपेट हो जाती है, सो दैट इज़ एन एडवांटेज. और आप जब वापस बैठेंगे तो हमेशा बैठने के बाद अपनी जब गाड़ी ऑन करें उसके बाद एसी ऑन करें और 2 मिनट उसको चलने दीजिए, तो जो भी एयरकॉन की कंप्रेस गैस होती है वो इस हीट में कुछ और भी बनती है, दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर लंग्स. सो उस हिसाब से लेट इट जस्ट ऑल बाईपास, बाहर निकल जाए और फिर उसके बाद आराम से आ बैठिए. हाँ मिल गया मुझे, लेकिन चश्मा नहीं मिला यार, चश्मा मेरा कहाँ गया यार, ये तो मिल गया मुझे अपना डॉग. हाँ हाँ, क्या गर्म हो गया, इसको ठंडी जगह पर रखना पड़ेगा. पानी की रिक्वायरमेंट 80% होती है, बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, सो बाकी 30% तो खाना होता है, हल्का सा खाना खाना है एंड दैट्स इट, गर्मी में स्पेशली. तो बहरहाल लीविंग फ्रॉम वेयर, आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, म्यूजिक एंड ट्रैवल एंड वॉट नॉट. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए
कौन सा हिसाब पता नहीं, लेकिन एक हिसाब ऑफ ट्रैवलिंग से कि चॉइस ऑफ सॉन्ग से बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप ये सोच रहे होते हैं कि फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। समझ लीजिए आपको पर्टिकुलरली कुछ 20 गाने अच्छे लगे तो 100 मिनट तो आपको ऐसे ही चले जाने हैं, और कई बार फिर आप उसको रिपीट भी डाल सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं लॉन्ग ट्रिप से अपने मनपसंद गाने सुनिए, तो उससे आपको इंकरेजमेंट के अलावा यू फील वेरी रिलैक्स्ड, तो आपको डबल फ़ायदा है ना। इन्जॉय तो आप कर ही रहे हैं और म्यूज़िक के साथ करिए। खाने के बाद नींद बहुत आती है, इट्स अ गुड साइन कि खाना अच्छा बना था और साथ साथ की आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म सब कुछ अच्छे चल रहे हैं। कई लोगों को खाने के बाद नींद नहीं आती, पता नहीं कैसे लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, क्योंकि आपकी जो मेसेंट्रिक वेसल्स हैं मतलब पेट की जो है, खाना पेट में 25 मिलीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फूड पाइप से होके स्टमक में पहुंचता है। तो खाने के आधे घंटे बाद एक्चुअली आपको अपना कैलकुलेट करना चाहिए टाइम, आपने लंच कब करा था। तो अगर आपने लंच करा है 1 PM, ठीक है, तो ऑनेस्टली आपने लंच 1 PM नहीं करा है, आपने 1:30 करा है। आधे घंटे के बाद ही खाना को द फूड रीचेज द स्टमक। जाएगा नाम आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा उन एक्टर का नाम, बहुत गजब एक्टर है वो, उत्पल दत्त एंड मतलब बहुत ही आप लोगों ने डेफिनेटली मूवी देखी होगी गोलमाल पुरानी वाली। सबकी एक्टिंग बिल्कुल बहुत परफेक्ट है, मतलब इतना नेचुरल प्ले लगता है वो स्क्रीन प्ले, लगता ही नहीं कि मूवी में मतलब मूवी चल रही है, दे आर एक्टिंग इट आउट, इट्स सो नेचुरल एंड दैट्स अ क्वालिटी ऑफ एन एक्टर। अभी लौटते समय लौटते नहीं मतलब द टाइम ऑफ लंच में जब मैं जा रहा था तब एक अलग ही मोड था, मतलब मेरी वॉइस में ब्रिस्कनेस थी एंड थॉट्स ऐसे उमड़ रहे थे। और कई बार क्या होता है कि ठंडे पड़े होते हैं थॉट्स, जैसे अभी खाने के बाद वैसे ठंडे मार रहे हैं। अच्छा सॉरी का फंडा पता नहीं क्यों निकला है, ये सारी हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं जो बेसिकली यौन आना है, ठीक है, तो ये तो यू शुड बी सॉरी, यू शुड बी सेइंग वाओ आपकी बॉडी काम कर रही है, खाना गया है, खाना पच रहा है, बॉडी थक रही है, ब्रेन में थोड़ी हवा ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो आपको वासी आ रही है, इट्स अ गुड साइन। बट पता नहीं ये अंग्रेज़ों ने ना ये हर चीज़ के लिए सॉरी थैंक यू करके ना बिल्कुल वो रोबोट बना दिया। शाम को ही बात की जा रही है वैसे, अंटिल देन टेक केयर माई फ्रेंड्स।